Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the concentration of solution, units of concentration, in which we studies units of group A, that is percentage W by V and percentage V by V, as well as molarity of the solution. Today, I discuss about the unit of concentration of group B, that is weight, percentage weight by weight, mole fraction, as well as molality. So guys, let's start the video or topic now. सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, पिछले टर्न पे जो भी आपने एक्चुअली में आपको मैंने मोलरिटी, परसेंटेज वी बाय वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी और इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स को भी मैंने सॉल्व किया था। अब अपन लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस इस सीट में मैंने दे रखे हैं वो आपको करना है। मैं एक बार इस सीट को इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी मेरी लिखावट में डाउट ना हो। पहला क्वेश्चन है आपसे, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डीसी मोलर सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सेकेंड है 2 mmol ऑफ है ना सब्सटेंस इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। थर्ड है 5 mmol ऑफ यूरिया इन 200 ml ऑफ वाटर। एंड फोर्थ है 100 ml ऑफ 0.2 molar HCl solution plus 3.65 gram of HCl. Third question is, calculate volume in liter of semi-molar NaOH solution to utilize 200 ml of decimolar H2SO4 solution. Fourth and last question is, calculate volume in liter of ammonia gas produced at STP then 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate solution reacts with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution and the given is NH4 ka whole twice SO4, that means ammonium sulfate when react with NaOH to form sodium sulfate as well as ammonia gas liberated and water is formed. तो ये वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख के दिए, तो आपको ये प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करके मुझे दिखाना है और जो भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती वो आपको टिक करके फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है ताकि मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस आपके साथ कर दूं। चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, ग्रुप बी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता हूं। मैंने आपको बताया था ग्रुप जो बी की प्रॉपर्टीज़ मैंने उसको क्लासीफाई कर रखा है वो एक्चुअली मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इस बात के लिए आपको याद रखना है। फर्स्ट है मेरा परसेंटेज वेट बाय वेट। व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना ग्राम आपका सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या कहलाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रखी है कि न्यूमिनेटर में हमेशा आपका सॉल्यूट मिलने वाला है और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, केवल मोलैलिटी को छोड़कर, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट होता है। बाकी हर जगह न्यूमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन। चलिए आपको ये भी बात याद रखनी है, मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते थे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को आप ऐड करके निकालते थे, उसी तरीके से जब वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करना होगा, तभी आप क्या निकाल पाओगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तभी क्या निकाल पाओगे आप बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आप तभी उसको निकाल पाओगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको अच्छे से और समझते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे लिए क्या कह रहा है, बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ यूरिया। उसने बोला बेटा आपको एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है जो कि कंटेन्स करता है 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ यूरिया। बोल रहा है क्या इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है 30 ग्राम यूरिया, जैसे पिछले वाले में आपने करा था, जितना आपको वैल्यू दी हो वही आपका ग्राम में लिख दीजिए या ml में, आप पिछली बार लिखा था, इस बार क्या लिखेंगे, ग्राम में। तो क्या हो जाएगा बेटा, आप यहाँ लिख सकते हो 30 ग्राम, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं थोड़ा सा और डार्क पेन ले लेता हूँ,
ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। हाँ 30 ग्राम, इट आप दिखाई दे रहा क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है। 30 ग्राम यूरिया है ना, ये क्या इसका क्या मतलब होगा बेटा? 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा आप समझो आपको वेट ऑफ एक्चुअली में सॉल्यूट बताना है, तो आपको क्या दे रखा है? आप इसको देखिए 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपको दे रखा है, तो आपको 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। जिस फॉर्मूले में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की जगह आप क्या रखोगे? 30। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, हमेशा आप 100 ml में ले 100 ग्राम में लेके चलते हो जब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की बात कर रहे होते हो, इनटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट बचेगा वो किसके बराबर होगा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को। इसीलिए आपने को बिल्कुल सिंपल होता है, जितना वैल्यू यहाँ दिया हो उसका मतलब है 30 ग्राम या जितना भी दिया हो, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 98% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ H2SO4, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे इसके पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट, मुझसे बोल रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको वेट ऑफ उसने सॉल्यूट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है एज वेल एज सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, है ना? इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बोला है? इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपके लिए 30 इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कितना दे रखा है यूरिया का? 30। अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट को निकालना है, तो आप डब्ल्यू इसको लिख लीजिए मान लीजिए, और आपको कितना सॉल्यूशन का बेटा वेट दे रखा है? 7.5। कितना दे रखा है? 7.5 ग्राम दे रखा है। आप इंटू क्या कर दीजिए? 100। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो निकल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब आपके पास क्या है बेटा? सॉल्यूट में यूरिया, क्या है बेटा? यूरिया। तो इसका मतलब है कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ सॉल्व, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना है ना। अब इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा आपको दिया था? 7.5 है ना ग्राम, माइनस किससे कर दीजिए? जितना आपका निकला 2.25 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट का वेट है, ये आपका सॉल्यूशन का वेट है, तो आपको सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। सॉल्वेंट का वेट आपका कितना निकलेगा? ये निकलेगा 5.25 ग्राम, है ना। ये आपको वेट निकल के आ गया, सॉल्वेंट का भी वेट निकाल लिया, सॉल्यूट का भी वेट निकाल लिया, ठीक है। किस तरह से करा क्वेश्चन वो भी समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलिए एक बार और समझा देते हैं कि जब आपको 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है, तो यानी कि फॉर्मूला ऊपर देखिए 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है आपसे, ये निकालने के लिए पूछा है वेट, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट जितना दे रखा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए इनटू 100। वही मैंने किया, सॉल्व कर दिया, तो 2.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मेरे पास निकल के आ गया। और उसने बोला सॉल्वेंट का भी भैया वेट निकालिए। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन से अगर वेट ऑफ सॉल्यूट को घटा दीजिए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 0.2 मोल्स, क्या बोल रहा है बेटा? 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 0.22 ग्राम ग्लूकोज को हमने 64 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट करिए परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज। तो आपको वही फार्मूला जो आपने पढ़ा है ऊपर ये लिख रखा है। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेज एक्स्ट्रा नहीं है, है ना, है नहीं मतलब है, बट मैं चाहता हूँ कि आपके सामने लाइव सॉल्व करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखिए ये आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है, तो आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपको निकालना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ किसके लिए बोला है बेटा? ग्लूकोज के लिए, तो आप ग्लूकोज लिख लीजिए इज इक्वल टू वेट ऑफ, आपको आपको ग्लूकोज चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको? वेट ऑफ ग्लूकोज चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, यही तो फॉर्मूला है बेटे। अब आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ ग्लूकोज चाहिए, तो वेट कैसे निकालोगे, आपको मोल्स दे रखा है, मोल्स दे रखा है, जब वेट निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, 0.2 इंटू इसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, तो 180 से जब आप इसको क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36 ग्राम। कितना आएगा, 36 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज का वेट है, तो ऊपर लिख देंगे 36। आप देखें नीचे क्या लिखेंगे, नीचे मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपन को केवल वेट ऑफ वाटर दे रखा है, यानी वेट वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी उसने मुझे स्केल सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 36 प्लस 64 को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को जब मिलाओगे तभी वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इनटू क्या करोगे 100। जब आप इसको क्या करोगे बेटा, नीचे हो जाएगा ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36% W/W ऑफ ग्लूकोज, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से आप क्या करोगे, आंसर को निकाल लोगे। क्लियर हो रहा है इतनी बात, समझ में आ रही है एक एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है ग्रुप बी में, सेकंड जो टॉपिक है वो है मेरा मोल फ्रैक्शन। वो क्या है बेटा, मेरा मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, एक्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, समझना बेटा, एंड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसका कहने का मतलब है कि ये है ना, इस तरह से डिफाइन करते हैं हम मोल फ्रैक्शन को, जिस सब्सटेंस का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है फॉर्मूला, है ना, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो आप इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो, बट आपको ये भी याद रखना है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर उसने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, तो सॉल्यूट को मैंने क्या माना है, ए, तो मैं आप लिखूंगा, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तभी तो नीचे क्या आएगा, टोटल मोल आपके आएंगे। वही आपको क्या करना है, यहां पर भी देखना है। अगर आपसे सॉल्वेंट के लिए बोलता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी नीचे क्या आ जाएगा आपका, टोटल मोल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हो, या फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हो। आगे चीज और देखिएगा बेटा, नोट, इनको बहुत बारीकी से चीज़ों को नोट करिएगा। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है। देखिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी होगी, मगर 1 से हमेशा क्या होगी बेटा, छोटी होगी। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, हमेशा आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर सपोज करिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब सब्सटेंस एब्सेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। अगर सपोज करिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी दूसरी तरीके का कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए बताया ताकि आपको जो लैंग्वेज में, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में जो ट्विस्ट एंड टर्न मिलता है उसको आप आसानी से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके भी क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। उसने हमसे बोला है बेटे, उसने बोला है 30 ग्राम यूरिया इज मिक्स्ड विद 45 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोला है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन, क्या बोला है बेटा, समझना बेटा, बोला है 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व विद या फिर मिक्स्ड विद 45 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज W/W ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, परसेंटेज W/W तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। परसेंटेज W/W निकालना है तो आप देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, सॉल्यूट क्या है बेटा यूरिया, और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा आपका वाटर। तो यूरिया का वेट कितना दे रखा है 30, अपॉन वाटर का वेट कितना दे रखा है देखिए 45 ग्राम। तो वाटर का देख मतलब सॉल्वेंट का आपको वेट पता चल गया, मगर नीचे तो आपको सॉल्यूशन का चाहिए, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे 30 ऐड करोगे, क्योंकि सॉल्यूट का वेट आपको ऐड करना पड़ेगा सॉल्वेंट के वेट में, तब आपको सॉल्यूशन का वेट मिलेगा। इनटू आप क्या करोगे 100, क्या करोगे 100, तो नीचे क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 40%, कितना मिलेगा बेटा लगभग 40% आपको W/W ऑफ यूरिया मिल जाएगा। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई,
है ना। यहाँ मैंने आपका फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर क्लियर कर दिया, ये बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गई। चलिए आप देखते हैं मोल फ्रैक्शन निकालते हैं यूरिया का, क्या निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यूरिया निकालने के लिए हम मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये मुझे चाहिए रहेगा। अब मैं क्या करूँगा कि मोल्स मुझे निकालने हैं यूरिया के, तो यूरिया के मोल्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे केवल वेट दिया है तो वेट से पहले मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से कर लीजिए ताकि आपको मोल्स निकालने आसान हो जाए। अगर आपको मोल्स निकालने यूरिया का, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, 30 उसका गिवन वेट है और उसका मोलर मास 60 है, तो इट मीन दैट कितना हो गया बेटा 1/2, कितना हो गया बेटा 1/2 मोल्स आपका यूरिया है। वाटर के कितने मोल्स होंगे, तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए क्या करो, 45 डिवाइडेड बाय कितना करोगे बेटा 18, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18, इसको आप जरा करोगे तो कितना आएगा 18, है ना, 45 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, कितना आ जाएगा 5/2। तो चलिए आप इसके मोल्स को यहाँ रख दीजिए जरा, जब आप मोल्स को रखोगे तो क्या पता चलेगा, ऊपर क्या रखोगे, किसके मोल रखोगे यूरिया के, यूरिया कितना मोल है 1/2 अपॉन 1/2 प्लस, है ना, 5/2, क्लियर हुआ ये बात। तो आप इसको आप सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यह आ जाएगा 1/6, कितना जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको कितना मिला बेटा 1/6। आप सपोज करिए आपसे वो बोलता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल भाई, क्या निकाल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप फिर ये कॉन्सेप्ट लगाते कि भाई ऊपर क्या रखते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5/2, इसको आप सॉल्व करते तो आपको कितना आता, आपका आता बेटा 5/6, कितना आता 5/6, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल के आता बेटा आपका 5/6। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, बहुत सिंपल था, आप अगर इसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको आसानी से पता है, मैंने ऊपर बताया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा इक्वल होते हैं 1 के। तो जाहिर सी बात है अगर आपको एक वैल्यू पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता है तो आप आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई, आसानी से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है ग्रुप बी में, वो है मेरा मोलैलिटी। क्या है बेटा मेरा वो टॉपिक, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, पहले तो आप भी जान लीजिए, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता सकते हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में जितना भी मोल प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, वही क्या कहलाएगा, उसकी मोलैलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल पर केजी, क्या होती है बेटा मोल पर केजी, एंड इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि बेटा ये मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज है तो ये कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बात इतनी बात आपको क्लियर हो गई गाइस। चलिए फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है कि बेटा आप ये जान लीजिए कि मोलैलिटी केवल एक ऐसा टर्म आता है जिसमें डोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट रहता है। जैसे आपने देख भी लिया कि डोमिनेटर में पहली बार आपको सॉल्वेंट मिला है, अब आपको सॉल्वेंट डोमिनेटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि बस इसी यूनिट में आपको सॉल्वेंट डोमिनेटर मिलता है, बाकी हर जगह आपको क्या मिलने वाला है डोमिनेटर में, हमेशा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ताकि आपको मैं इसी चीज़ इसलिए बताता हूँ तो आपकी आपको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो फार्मूला तो उनको याद होता है बट वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ सॉल्यूशन होगा कि वहाँ सॉल्वेंट होगा, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मोलैलिटी को समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ और मोलैलिटी को किस तरह से समझते हैं और किस तरीके से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मोलैलिटी की तरफ। तो मोलैलिटी के लिए हमारे लिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर। उसने बोल दिया भाई 360 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और मैंने सफिशियंट अमाउंट वाटर में उसको डिजॉल्व कर दिया, तो टू प्रोड्यूस 1.36 kg ऑफ सोल्यूशन, तो मुझे मिल गया 1.36 kg ऑफ सोल्यूशन मुझे मिल गया। अब मुझसे बोल रहा है भाई कि बताओ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, आपसे बोला मोलैलिटी बता दे भाई इसकी, तो आप कैसे बताओगे,
आपको ये पहले बात आसानी से पता होना चाहिए कि पहले तो आप क्या करोगे, मोलेलिटी की जो फॉर्मूला लिखा है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको किसके निकालने पड़ेंगे, ग्लूकोज के। मगर ग्लूकोज का क्या दे रखा है, वेट। तो वेट को अगर उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, हमेशा आपको उसके मोल मिल जाएंगे। तो आप पहले यहाँ निकाल लीजिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, किसके बराबर होगा, 360 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2। तो आपको मोल्स तो पता चल गया, मोल्स कितना है बेटा, 2 मोल्स हैं। अपॉन उसने क्या बोला है बेटा, बोला है वाटर, है ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो उसने वेट दे दिया है, सॉल्यूशन का उसने क्या दे दिया बेटा, वेट दे दिया। बहुत ध्यान से काम करिएगा, सॉल्यूशन का वेट दिया है। तो आप ये जानते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों भाई, ये होता है कि नहीं होता, सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट आपको नीचे चाहिए क्या चाहिए, नीचे डोमिनेटर में आपको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में चाहिए। तो आप आसानी से ये चीज़ जान चुके हो कि आपको सॉल्वेंट के वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दीजिएगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल आएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 1.36 केजी दे रखा है, है ना। तो 1.36 केजी का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर ना भी कन्वर्ट करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.36 केजी का मतलब हो जाएगा 1360 ग्राम, कितना हो जाएगा 1360 ग्राम। आप इसको माइनस कर दीजिए ग्लूकोज के वेट से, तो ग्लूकोज का वेट यानी सॉल्यूट का वेट होगा, सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया 360 ग्राम। तो 360 ग्राम को अगर माइनस करोगे तो आपका कितना बचा 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम आपको क्या निकल गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 kg, कितना निकल गया है 1 kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो आपकी जो मोलेलिटी निकली वो कितनी निकली, 2 मोलेलिटी बेटा, कितनी निकली बेटा सॉल्यूशन की, 2। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि किस तरह से हम लोग मोलेलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या रखना है, ये सारी चीज़ों को याद भी रखना है और कैसे सॉल्व करते हैं इनको भी याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बाकी रहेगी, एक चीज़ याद आ गई तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी दे रखा है, क्या दे रखा है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी दे रखा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज है ना डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकाल सकते हो और उसमें डेंसिटी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू गिवेन है, आप उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी मिल जाएगा आपको। अगर सपोज करिए आपके पास मोलरिटी है ना, मोलरिटी आपको निकालनी है और आपको उसने दे रखा है बेटा परसेंटेज, है ना, वेट बाय डब्ल्यू दे रखा है और मोलरिटी आपको निकालनी है, तो आप क्या करो, ये परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा दो और 10 से मल्टीप्लाई करा दो अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तो ये आपके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें, इससे रिलेट क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर दीजिए। अगर मोलरिटी निकालना है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। एक और याद रखिएगा, सपोज करिए अगर आपको मोलरिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1000 × मोलरिटी अपौन 1000 × डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से अगर आपको मोलरिटी दी है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक कुछ बना रखी है जो आपके लिए आसान पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, समझिएगा बेटे, नेक्स्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी वेट
परसेंटेज डब्ल्यू बाय बी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मतलब मैंने जितना पढ़ाया ना सब निकलवा लिया। निकालो बेटा आप सब कुछ, आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो तो आप सारी चीज़ें कैसे निकालोगे वो भी देखिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आपका काम है कि अपने सामने पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे दूसरी सीट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या दिया है, उसमें बोलते 90 ग्राम ग्लूकोज को आपने डिजॉल्व कर दिया सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर में, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर में टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 500 ml आपका सोल्यूशन बन भी गया है, और सोल्यूशन की डेंसिटी दे दी है 1.18 ग्राम पर ml। आपसे बोल रहा है आप मोलरिटी भी निकाल दीजिए, मोलरिटी भी निकाल दीजिए, है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल दीजिए, परसेंटेज वेट बाय वेट भी निकाल दीजिए, साथ में मोल फ्रैक्शन भी ग्लूकोज का निकाल दीजिए और वाटर का निकाल दीजिए, मतलब सब कुछ पूछ रहे। जितना मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ों का एक क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें पूछी हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को एक क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करते हो वो देखिएगा ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन अपने साथ सामने ही रखिएगा कि आपको क्या क्या निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन अपना नोट कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ ताकि मेरे मुझे केवल क्वेश्चन दिखता रहे और मैं चीज़ों को सॉल्व कर दूँ, ताकि आपके लिए आसान पड़े कि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे और आप सोल्यूशन भी देखते रहें। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, है ना। गिवन क्या क्या है आपको, वेट ऑफ, यानी वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है, कितना गिवन है ग्लूकोज का वेट बेटा 90 ग्राम, कितना गिवन है 90 ग्राम ग्लूकोज का वेट आपको गिवन दे दिया है। साथ में क्या बोला है बेटा उसने, साथ में और उसने क्या दे दिया है, साथ में और उसने दिया है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन इक्वल टू 500 ml। साथ में क्या दे रखी है बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.18 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी गई है, समझे बेटा, ये क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है। आप देखना चीज़ों को आप किस तरह से सॉल्व करते हो और कैसे आप आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हो। तो आप बताइए, सिंपल सी चीज़ समझिएगा बेटे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या क्या निकालते चलते हैं, जो भी चीज़ मुझे सिंपलीफाई पड़ेगी पहले मैं वो चीज़ निकालता चलूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोलैरिटी निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है बेटा। तो आप देखिए, वॉल्यूम मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा गया, ग्लूकोज का वेट कितना है, सॉल्यूट क्या है बेटा, ग्लूकोज ही तो है, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो सॉल्यूशन तो आपका तभी बनेगा ना, तो सॉल्यूट आपका 90 ग्राम है, तो आपका गिवन वेट कितना है 90। तो आप इस तरह से पहले लिखना सीखिए कि किस तरह से आप सॉल्व करते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, आप नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब इसी को तो आप मोल्स बोलते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मगर आपको किसमें दे रखा है, एमएल में। तो आप यहाँ एमएल लिख रहे हो, तो एमएल को किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए, आप जानते हो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करोगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 90 इंटू 1000। दिख रहा है बेटा 1000 लिखा हुआ, दिखा आपको कि नहीं दिखा, एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ दिखा आपको, क्लियर हुआ, 90 इंटू 1000। देखिए, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे तो 1000 ऊपर आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 90 ग्राम। तो 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, ग्लूकोज का तो होता है 180, कितना होता है 180 इंटू कितना एमएल दे रखा है 500 एमएल,
तो 500 ml, तो 500 है ना, वो ये 1000 को काटोगे तो दो टू टाइम गया। अब अगर जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 2 जा कितना होता है 18, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है मोलरिटी कितनी निकली, 1 मोलर। कितनी मोलरिटी निकली बेटा, 1 मोलर। तो यहाँ आंसर भी लिख दीजिए, 1 मोलर सॉल्यूशन की आपकी क्या निकली, मोलरिटी निकली। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा आपको, मोलरिटी कैसे निकाली, हर एक चीज एक एक स्टेप मैंने क्लियर करी है। अब मैं दूसरी चीज क्या निकाल सकता हूँ, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आसान मिले दिखे चीजों को। दूसरा मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा, देखिए मोलरिटी ग्रुप ए की है, मोलरिटी बी की है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है वो ए का है, परसेंटेज वेट बाय बी जो है वो बी का है, ठीक है, और ये भी क्या है बेटा, बी का है। तो पहले ए वाले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे आसान पड़ेगा, और बी वाले मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूट, अब आपको इसका क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, तो ये होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो आप बताइए आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 90, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ml इनटू 100। 100 से 2020 कैंसिल हो गया है ना, आप क्या करेंगे, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18%। कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 18% डब्ल्यू बाय वी ऑफ ग्लूकोज, है ना, ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए अब क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी चीज़ों को जरा समझिएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आसानी से काफ़ी चीज़ें जान चुके हो, आप देखिए आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जब डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए आसान रहेगा कि चीज़ों को समझना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मोलेलिटी निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, मोलेलिटी, या मैं डिस्कस करूँगा, पहले निकालूंगा मोलेलिटी। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिख रहा है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बोल भी रहा हूं साथ में आपको दिखना भी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो आपको सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, सॉल्वेंट का वेट चाहिए आपको किस में बेटा, केजी में चाहिए सॉल्वेंट का वेट। तो आप क्या करोगे बेटा, चीजों को बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, आपको सॉल्वेंट का वेट केजी में निकालना है। तो पहले आप क्या करो बेटा, पहले सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का वेट निकाल लो, सॉल्यूशन का वेट से अगर आप सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का वेट निकल आएगा। तो कुछ जो चीज़ें हैं पहले जो आपको करनी पड़ेंगी वो मैं इधर करके आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान पड़े। पहले